मनुवाद, जातिवाद और ब्राह्मणवाद अपने चरम पर था और आज उससे भी ज़्यादा खतरनाक दौर में है। आप मंदिर बनाइए, अगर आपको चंदा मिलना शुरू हो जाए तो आप हो जाइए ब्राह्मण। आप सिर्फ चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, आपको मिलना आधा लड्डू है। जहां आपके बच्चे कॉलेज जा रहे हैं वहां जातिवाद है, जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां जातिवाद है, जहां मीडिया है वहां जातिवाद है। फूले पेरियार अम्बेडकर ने लड़ी है, हम लोग अगर नहीं लड़ेंगे तो चैन से कैसे सो पाएंगे। शोषण तो दूर की बात है, आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते और नहीं भरोसा है तो इसको जीवन में अपना के देखिए। और मैं सिर्फ दुखी होता हूँ कि हमारे लोग बहुत ढीले सहमे तरीके से बात करते हैं। महिलाओं को जानवरों के साथ, कुत्तों के साथ और यहाँ तक कि पेड़ों के साथ शादी कर दी जाती थी। इस तरीके की बेवकूफ़ी भरी कुप्रथाओं का, कुरीतियों का पेरियार साहब हमेशा विरोध करते थे। शुक्रिया, मैं लिस्ट में था नहीं, मैंने समय मांगा है। मांगा इसलिए कि मैं 2 सालों से यहाँ आ रहा हूँ और फूले पेरियार अम्बेडकर, मुझे लगा था कोई सत्ता में बैठा हुआ आदमी ऐसा तो करेगा नहीं, लेकिन मैं इसलिए आता हूँ कि एक मंत्री होते हुए उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई तो हिम्मत की दाद देने के लिए आता हूँ कि ऐसे लोग हैं। लेकिन मुझे आप लोगों से शिकायत है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं मुझे लगता है इतने लोग आंदोलन चलाने के लिए बहुत ज़्यादा हैं। एक नेशनल दस्तक मैं अकेले पिछले 4 साल से चला रहा हूँ और 100 करोड़ लोगों तक वो पहुँच चुका है, 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। आपके पास भी एक मिशन जय भीम चैनल आ रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कुछ बात। आप लोगों को क्या लगता है, आज जो इतने लोग हम बैठे हुए हैं, फूले पेरियार अम्बेडकर के समय में इतने लोग बैठते थे? उस समय संविधान था, कानून था, नहीं था। मनुवाद, जातिवाद और ब्राह्मणवाद अपने चरम पर था और आज उससे भी ज़्यादा खतरनाक दौर में है। यकीन मानिए, फूले पेरियार अंबेडकर और राजेंद्र पाल गौतम जो कर रहे हैं, इसमें राजेंद्र पाल गौतम जी को जरूर नुकसान होगा अगर समाज ने नहीं समझा। हमारी कोशिश है कि ऐसे लोगों के साथ खड़े हों जो सत्य और न्याय की लड़ाई के लिए कुर्सी ताक पर रख रहे हैं। और मैं एकदम छोटी बात कहने आया हूँ आप लोगों से। मुझे कभी कभी दुख होता है, हमारे लोग जब आते हैं, बाबा साहब ने किया, पेरियार ने किया, वो बताते हैं आगे हमें क्या करना होगा, ये बताइए, ये तय कीजिए। वो युवा आए थे, उन्होंने कहा कि हमें अपने गरीबी से निकलना है। मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म एक धंधा है इस देश में। आप मंदिर बनाइए, अगर आपको चंदा मिलना शुरू हो जाए तो आप हो जाइए ब्राह्मण, खोल लीजिए मंदिर। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, इस देश का एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी मंदिर बना ले उसको चढ़ावा नहीं मिलेगा। आप सिर्फ चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, आपको मिलना आधा लड्डू है। आपको उस कर्मकांड से निकलिए, पेरियार साहब की लाइन पर जाइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, तभी आप अमीर बनेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे वाल्मीकि समाज ने वाल्मीकि मंदिर तो बनाए हैं, क्या वो चढ़ावा? अरे सर, वाल्मीकि साहब राम मंदिर में नहीं, उनकी मूर्ति भी विराजमान नहीं है। मैं किसी के दुकान को खराब नहीं कर रहा, कह रहा हूँ मेरा जो दुकान है उसमें कोई आ रहा है कि नहीं, क्या हम चढ़ावा चढ़ाएंगे? एक बीस का दुकान है, एक जहर का दुकान है और एक अमृत का दुकान है, कहाँ जाएंगे आप? हमारे साथ जो भेदभाव कर रहे हैं, आपको पता है अब जातिवाद कहाँ है? मेरे पिताजी के साथ कोई जातिवाद नहीं कर सकता, थप्पड़ घुमा के मारेंगे। गांव में जातिवाद खत्म हो गया, अब जातिवाद शहर में आ गया है, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में और पावर सेंटर्स में। जहां आपके बच्चे कॉलेज जा रहे हैं वहां जातिवाद है, जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां जातिवाद है, जहां मीडिया है वहां जातिवाद है, जहां मंत्री आपका मंत्री बन जाता है, आपका 5-5 बार का विधायक, आपका 5-5 बार का सांसद रिजर्व कोटे से SC ST का, उसको मंत्री क्या मिलता है? सोशल जस्टिस। वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनता है, वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं बनता है। तो जातिवाद अब हमारे और आपके बच्चों को मारेगा, जो गांव में छूट गए उनकी नहीं। अगर आप लोगों को लगता है कि हमने नौकरी कर ली और जातिवाद से पीछा छुड़ा लिए, जाति कभी नहीं जाती है, वो आपके बच्चा का के बारे में पता करेगा। एक नस्ल हम लोग आज कमज़ोर क्यों हो गए? क्योंकि हमने पेबैक टू सोसाइटी नहीं किया, हम नौकरी में गए, हमने पड़ोसी को छोड़ दिया। आरक्षण की लड़ाई कमज़ोर हो गई क्योंकि हमारी लड़ने वालों की संख्या ज़्यादा नहीं हुई। इसलिए हम लोग की दोहरी जिम्मेदारी है, एक परिवार और दूसरा समाज। और ये नहीं करेंगे तो आप सब बारी बारी से मारे जाएंगे, क्योंकि ना आप मीडिया में हैं, ना जुडिशियरी में हैं, ना ब्यूरोक्रेसी में हैं, ना बिजनेस में हैं। आपके पास सिर्फ एक चीज़ है, आपकी विरासत।
जो बुद्ध से लेकर फूले पेरियार अंबेडकर तक है। और मैं कह रहा हूँ शब्दों में शक्ति होती है। जिस दिन हम लोगों ने बोलना सीख लिया, आँख में आँख डालकर बात करना सीख लिया, और दुनिया की कोई ताकत आपको सीएम पीएम कलेक्टर डीएम नहीं बनाती, ये सिर्फ शब्द है। आप लोग बोलना सीखिए, लड़ना सीखिए, और ये किसी के लिए नहीं कर रहे, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे। हमारे बाप दादा नहीं लड़े, हम भी नहीं लड़ेंगे, तो उनको भुगतना पड़ेगा। पहली पीढ़ी मरेगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोगों के साथ खड़े होइए, नहीं तो कोई दूसरा फिर नहीं आएगा। अपना पेट सब भर रहा है, हमें ज़रूरत है। पेरियार साहब ने हमारी लड़ाई लड़ी उस दौर में, फूले पेरियार अंबेडकर ने लड़ी है। हम लोग अगर नहीं लड़ेंगे तो चैन से कैसे सो पाएंगे। ये लड़ाई इस देश को बचाने की है, समाज को बचाने की है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस दिन फूले पेरियार अंबेडकर को मान लेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप अमीर हो जाएंगे, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपका सम्मान बढ़ जाएगा, और कोई आपका शोषण तो दूर की बात है, आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता। और नहीं भरोसा है तो इसको जीवन में अपना के देखिए। और मैं सिर्फ दुखी होता हूँ कि हमारे लोग बहुत ढीले सहमे तरीके से बात करते हैं। आँखों में आँखें डालकर बात कीजिए, झूठ बोलकर लोग पीएम बन सकता है। हम तो फूले पेरियार अंबेडकर और बुद्ध के वंशज हैं जो सिर्फ सत्य की बात करते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आप सब लोग बेधड़क निडर तरीके से बात कीजिए, इसी में जीत छुपी हुई है। आपने मुझे सुना, शुक्रिया। मैं चाहता था कि लोग थोड़ा ताकत से बोले, ताकि वीडियो तो कम से कम लोग देखें, दुनिया भर में वो चले। बहुत सारे जो महापुरुष हैं बहुजन समाज के, उनकी सबकी हम जयंती और पुण्यतिथि यहाँ पर मनाते रहे हैं। इसी क्रम में आज 17 सितंबर को हम पेरियार केवी रामास्वामी जी की जयंती और साथ में शिरोमणि संत दुर्गल नाथ जी की भी जयंती हम मना रहे हैं। पेरियार साहब का जन्म तमिलनाडु के एक छोटी सी जगह इरोड में हुआ था 17 सितंबर 1979 को। वैसे तो पेरियार शब्द का मतलब ज्ञान का सागर होता है। बहुत सारे लोगों ने इस पर काफ़ी कुछ बोला है और काफ़ी कुछ बोलना बाकी भी है। बाबा साहब के टाइम से और बाबा साहब के समय और उनके परिनिर्वाण के बाद भी पेरियार साहब ने बहुजन समाज को जगाने का काम जारी रखा। उनकी विचारधारा पूरी तरीके से विज्ञान पर आधारित थी। वो शुरू से ही मनुवादियों के निशाने पे थे, क्योंकि जितना पाखंडवाद के ख़िलाफ़, जितना वर्ण व्यवस्था के खिलाफ या जितना जातिवाद के खिलाफ पेरियार साहब ने बोला है, शायद अभी तक किसी ने नहीं बोला। और यही वजह थी कि उन्हें कदम कदम पे ब्राह्मणों के गुस्से का सामना करना पड़ता था। पेरियार साहब ने अपने जीवन काल में जस्टिस पार्टी का भी गठन किया था, हालांकि वो पार्टी कभी भी राजनीतिक रूप नहीं ले सकी, ना ही उस पार्टी के बैनर तले कभी भी कोई इलेक्शन लड़ा गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेरियार साहब जो थे वो अंधविश्वास के पाखंड के घोर विरोधी थे, और उन्होंने कभी भी आत्मा और परमात्मा में कभी उनका कोई विश्वास भी नहीं था। वो हमेशा कहते थे कि जिस तरीके से हिंदू धर्म के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आत्मा अमर है, आत्मा अजर है, उन्होंने अपने विश्लेषण से इसको गलत साबित किया। आप सभी जानते हैं कि दुनिया के तमाम देशों में ज़्यादातर जानवर काटे जाते हैं मांस के लिए, इतनी सारी हत्याएं होती हैं, इतने सारे लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर आत्मा अमर है या आत्मा अजर है तो पूरी दुनिया की आबादी क्यों बढ़ रही है, इस पे एक गहन चिंतन की ज़रूरत है। इसका मतलब ये कि आत्मा ना तो अमर है ना आत्मा अजर है, तभी तो रोज़ाना और हर पल एक नई आत्मा का जन्म होता है। इसी तरीके से जैसे कि साउथ इंडिया में भी पहले जो खास करके महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, महिलाओं को जानवरों के साथ, कुत्तों के साथ और यहाँ तक कि पेड़ों के साथ शादी कर दी जाती थी, इस तरीके की बेवकूफ़ी भरी कुप्रथाओं का, कुरीतियों का पेरियार साहब हमेशा विरोध करते थे। और उन्होंने ताउम्र उनके बयान हमेशा विवादों में रहे, और वो उनकी सफलता का ये भी कारण है, वो खुद भी बोलते थे कि मैं जिस तरीके से इस मनुवाद के ऊपर मैं बोलता हूँ, फिर भी मेरी सभाओं में हज़ारों लाखों की भीड़ मुझे सुनने के लिए आती है। उनका सीधा सा कहना था कि दुनिया हफ्ते में जितने भी दिन होते हैं उनमें से कोई भी दिन शुभ नहीं,
ना ही कोई दिन मनहूस होता है। आप किस अपने बच्चों की शादी किसी भी दिन कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। उसमें कोई भी पंडित से, ब्राह्मण से, पुजारी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि जनरली हम अपने बच्चों की शादियों की तारीख पंडितों से, पुजारियों से निकलवाते हैं। क्या वो सभी साल शादियाँ कामयाब होती हैं? लेकिन उसके बावजूद भी हम कभी भी ब्राह्मण को जिम्मेदार नहीं ठहराते। ये एक बड़ा ही अजीब किस्म का एक ये तालमेल है जो मनवादियों ने अपने फेवर में बना रखा है। हम वो हमेशा पेरियार साहब हमेशा बोला भी करते थे कि जिस हिसाब से ईश्वर, उनका सीधा कहना था कि ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो संसार को चला रहा है, ये सिर्फ एक नेचर है, ये कुदरत है जो अपने हिसाब से अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करती है। उनके इसी तरीके से रात और दिन होते हैं, इसी तरीके से धूप और बारिश होती है। इसमें यही संसार में परिवर्तन का कारण बनते हैं और परिवर्तन ही संसार का नियम है। उनका सीधा कहना था कि अगर कोई भी ईश्वर इस सिस्टम को चला रहा है तो वो ईश्वर मस्जिदों में होती हुई अजान को सुन लेता है, मंदिरों में कीर्तन सुन लेता है, मंदिरों में होते हुए भजन सुन लेता है, मंदिरों में होते हुए जयकारे सुन लेता है, मंदिर की आरती सुन लेता है। लेकिन वही ईश्वर मंदिरों में होते हुए पुजारियों के द्वारा बलात्कार होती हुई बच्चियों की चीखें क्यों नहीं सुन सकता? इसी तरीके से जब उन्होंने बहुत सारे अपने उनके कोटेशन थे, मैं उनको दोहराना चाहूँगा। उन्होंने सीधे बोला था कि अगर ईश्वर से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होते, सरस्वती से ज्ञान मिलता तो विद्यालय नहीं होते, अगर दुआओं से और प्रार्थनाओं से काम चल सकता तो औषधालय भी नहीं होते। इसी तरीके से अगर हमारे समाज में काम करने की या रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाती तो कार्यालय भी नहीं होते। मेरा सिंपल सा यही कहना है कि पेरियार साहब हमेशा कहते थे कि मंदिर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग विशेष के लोगों के बनाई के द्वारा बनाई हुई एक दुकान है, जिसका सीधा फायदा एक वर्ग विशेष को मिलता है, और जो भी लोग उसके ग्राहक बनते हैं उनमें मैं समझता हूँ कि या तो वो विवेक से पैदल हैं या फिर अपने मानसिक गुलामी की तरफ वो बढ़ रहे हैं। मैं बस अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरी बात को आपने ध्यान से सुना, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।